जय हिंद जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपना पहला प्रश्न, इसके लिए हमें इस रेड एरो को टच करना होगा, तभी हमें पूरा प्रश्न दिखाई देगा। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। पहला, लंबाई का तुलनात्मक माप। दूसरा, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन। तीसरा, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। तो दोस्तों, इसमें ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 3 सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसके लिए भी आपको रेड एरो टच करना होगा। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, पौधों की वृद्धि में विविधता। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, इसके लिए भी आप एरो को टच करें। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसके लिए भी रेड एरो को टच करें। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, रेशम सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसके लिए रेड एरो टच करें। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3, घोल संतृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियां मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यरीति क्या हो सकती है? इसका विकल्प होगा विकल्प नंबर 1, परियोजना। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसके लिए भी आपको एरो टच करना होगा। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 4, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। बढ़ते हैं आगे, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उच्च प्राथमिक।